ये इसमें अब एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं और ये बात जो है मेरे ख़्याल से हमको भी याद रखनी चाहिए आपको भी याद रखनी चाहिए बहुत अहम बात है वो ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी होती है उसके इसबाब क्या होते हैं नाफरमान अल्लाह की नाफरमानी के इसबा क्या हैं वो कह रहे हैं कि जितना आदमी सोचेगा चाहे कुरान हदीस की रोशनी में या फिर साइकोलॉजी की रोशनी में या दोनों तो वो कह रहे हैं कि चार नतज इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि चार चीज़ें हैं वो चार चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आ, आमादा होता है तो कह रही वो चार चीज़ें क्या हैं इसको आइडेंटिफाई करें और फिर उससे बचें और चार चीजें वो ये हैं नंबर वन ये है कि एक तो है तकबर किब्र तकबर ठीक है ना दूसरा है हसद जलेसी और तीसरा है गजब गुस्सा और पांचवा है शहवत सॉरी तो चौथा है शहवत लस्ट तो केब्र एरोगेंस ठीक है ना और हसद जेलेसी गज़ब एंगर एंगर प्रॉब्लम और शहबत लस्ट कहना ये चार कलीदी और बुनियादी वो हैं ख़राब सिफात हैं जिनकी वजह से आदमी जो है वो नाफ़रमानी के ऊपर आमादा होता है अल्लाह की नाफर अल्लाह उसके रसूल की नाफा नाफरमानी पर आमादा होता है ठीक है ना इसको फिर पहला है तकबुर फिर हसद फिर गज़ब मतलब गुस्से पर कंट्रोल नहीं है और चौथा है शहवत परस्ती कहना ये चार चीज़ें हैं शहबत को तो ये कम वक़्त बुद है जो सबसे आखिर में टूटता में है अगर टूटा <laughs> तो हाँ ये शहबत बहुत शहबत जो है वो मतलब नाम नमूद की भी होती है शोहरत की शोहरत में भी शहबत है और क्या कहते हैं पैसे की तो है ही शहबत शेह, फिर नाम नमूद की फिर जिस्म की हर किस्म की शहवत है साहब एन ओ तो इबन कैम रम्त ला फरमा रहे हैं कि देखो किब्र जो है सुनिए बाब इस बात को सुनिए अच्छा फिर हर ये जो खराब ख़राब सिफत है राइट आ, वो एक मखसूस अमल से आपको रोकती है हर सिफत जो है एक मखसूस उसका साइड इफेक्ट है राइट और वो हर ये खबीस सिफत आपको किसी न किसी अमल से रोकती है मिसाल के तौर पर वो कहें किब्र जो है तकबर तकबर जो है वो आपको झुकने से रोकती है <laughs> तकबुर जो है ये आपको झुकने से रोकती है झुकने नहीं नहीं देती साहब आपको बिल्कुल अकड़ा रखती है तो तो किब्र जो है वो इनकिया इनकीार करते हैं झुकने को अल्लाह के आगे, आगे आपको झुकने से रोकती है दूसरी क्या है हसद हसद की जो जो वो या हाँ उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है यमनाहु कबूल नसीहा लिया ये ऐसी खबीस सिफत है हसद कि आपको नसीहत कबूल करने से रोकती है कोई अच्छी बात है जो तो आप सुन रहे हैं लेकिन हसद की वजह से आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं वह बद लिया और फिर आप हसद की वजह से उस नसीहत को आगे भी नहीं बढ़ा रहे हैं हसद है चाहे आपके भाइयों में हसद हो आपको आपस में हसद है दोस्तों में हसद है कुछ भी है तो ये उसका कि नसीहत को कबूल करने से आपको रोकती है और फिर आगे आपको ये होता है कि कहीं ये जो है ना हमसे आगे न, ना ना निकल जाए आप समझे हैं सही बात है लेकिन हम नहीं मानेंगे अगर हमने आपकी सही बात मान ली तो हम उनसे पीछे हो जाएंगे आप समझे वो हमसे बहुत आगे हैं हमको उनको बीट करना है तो आप नसीहत अल्लाह रसूल नसीहत कर रहा है कि भाई देखो ये सही उसको छोड़ो तुम अपने को देखो लेकिन आप हसद के वजह से तो कहते हैं साहब नहीं अब आइए साहब तीसरी जो कि बहुत ही ख़राब है सिफत वो है साहब गज़ब की गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये ऐसी खबी सिफत है जो जो रोकती है आपको अदल से इंसाफ करने से इसीलिए लिजा उमर ने एक एक कानून बनाया था अपने जजों के लिए कि अगर तुम्हारा मूड ख़राब है उस वक़्त तुम अदालत नहीं आओगे <laughs> अगर तुमको गु़स्सा है रात रात से गुस्सा है सुबह से गुस्सा है सुबह बेगम ने से आपका झगड़ा हो गया बेगम ने आपका मूड ख़राब कर दिया पड़ोसी से से कोई बात हो गई बच्चे ने मूड ख़राब और आप जज हैं तो उसी ख़राब मूड में अगर आएंगे अदालत में तो कोई मारा जाएगा बेचारा कोई मासूम मारा जाएगा <laughs> तो बल्कि बल्कि आप बताएं दिलचस्प बात है हमारे मदरसे में जब हमारे मुली साहब आते थे मरहूम अभी तो इंतकाल हो गया तो हिफ क़ुरान में तो हम लड़कों में ये बात मशहूर थी कि अगर हाफिज़ साहब आज ख़राब मूड से आए तो हम लोग पिटेंगे <laughs> अब वो चाहे उनको बेगम से गुस्सा था लड़ाई होगी घर पे रास्ते में कहीं कुछ कहा सुनी हो गई कोई भी वजह सारा गुस्सा उतरता था तलबा पे अब हफत कुरान में तीन चीजें होती हैं सबक सबक दौर और दौर सबक होता है फसे एक पेज अब एक पेज आपने सुना दिया मारेंगे क्योंकि मूड खराब है <laughs> कभी समझ में नहीं आता मुझे साहब क्यों मार रहे हैं हाँ कभी कहते हैं तुमने स्वाद सही नहीं मारा <laughs> स्वाद है तुमने ठीक <laughs> है तुमने <laughs> <laughs> तो बहाल ये होता था कि साहब का गुस्सा कहीं और तो इसको यह है कि गज़ब जो है गुस्सा जो है वो अदल करने से आदमी को रोकता अच्छा साहब अब आइए जो शहवत शहवत जो है तम नाउर तफर गबादा शहवत जो है वो इंसान को इबादत करने के लिए वक्त को फारग करने से रोकती है अरे क्योंकि आप सोचते ये हैं कि भाई इबादत में मिलेगा क्या इबादत में तो शहवत मर रही है शहवत ख़त्म हो रही है और शहबत परस्त जो लोग हैं जो हम 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 ही लोग हैं शहवत परस्ती में ये होता है कि जिस चीज़ में शहवत परस्ती को हवा मिले जिस अमल से शहवत परस्ती को हवा मिले वो अमल बहुत ही राग़ब मरगूब होता है इबादत में शहवत परस्ती की कमर टूटती है जैसे फजर में उठना है तो यह शहवत परस्ती नहीं है यह शहवत परस्ती के खिलाफ है तहज में उठना है तो यह शहवत परस्ती के खिलाफ है आगे? तो यह तो कह रहे हैं कि शहवत परस्ती जो है वो आदमी को इबादत के लिए वक्त के फार करने को रोकती से रोकती है जैसे आपसे अर्ज किया था ना क़ुरान शरीफ में शहब परस्ती पर यही बात है ना वो आठ चीज़ें जो मैंने आपसे सामने अर्ज की हैं अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में शहब परस्ती मुतल तो आठ बातें बताई हैं कि यादी नामू क्या था वो क्या था वो आ, कु, वही कुल इनका ना आबा उकुम अबनाकुमान अजबाज व अमालनख तरफ्तूँ वह तजारत तकश्वन का सासाधा व मसाकिल तरजुना अहब्ब इलेक मिला ये शहबत परस्ती है कि शहबत परस्ती इतनी गालिब है कि घर जॉब तजारत समझिए और वगैरह वगैरह सब चीज़ें जो हैं उनसे इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत का, का वक्त ही नहीं मिला आप तो इस वजह से जो है वो ये तो भैल तो ये चार चीज़ें हैं साहब ये चार चीज़ें कहने कलीदी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करता है अच्छा अब अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है अपनी आपने की है समझा या किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ आपने दे दिया और अब वहाँ से आपकी इस्लाह शुरू हुई तो इसमें बता रहे हैं कि इस्लाह जब होती है तो उसके समरात क्या होते हैं अच्छा आइए अब इसमें देखिए आप इसको तो गौर से देखिए कि किस तरीके से जब इस्लाह होती है तो उसके समरात कैसे कैसे जाहिर होते हैं अरे पहली चीज़ यह है कि जब आप तकबुर का जो की जो सिफत है वो कमज़ोर पड़ती है देखिए जाति तो नहीं है ये, क्या है कि छुट्टी नहीं है कम वक्त मुँह को लगी हुई ये जो है ये कम वक्त जाती नहीं है तकबर अंदर जो है अनानियत जो है शायद अनानियत सबसे आखिर में आती है ईगो ईगो जो है सारी सबसे आखिर में आती है तो तो भाई अगर तकबुर जब कमज़ोर पड़ती है तो तकब्बर के बाद आदमी खुद बखुद झुकना शुरू होता है अल्लाह ताला के आगे इनकिया जो है अल्लाह ताला के आगे झुकना ये खुद बखुद होता है जब तकबर की सिफत कमज़ोर पड़ती है एक चीज़ याद आ रही फिर बताने है, वो जो है ना आयत फ़लास्त शुर कलम में है नम व कानू य वहम सालिमुन क्या तहेंगे क्यामत दिन ख़ास यहाँ साल वक़द कानू यमत हम कहेंगे सजदा करो अल्लाह कहेंगे सजदा करो तमाम मखलूक को कहेगा सब सजदे में घर जाएंगे राइट लेकिन जो दुनिया में सजदा नहीं करते थे तो लगे फलाए स्त हाँ ये जितना झुकना चाहेंगे आज झुकना चाह रहे हैं लेकिन पीछे जो है ना, रीढ़ की हड्डी ये अकड़ गई अभी कह रहे हैं अभी अब जिसम आपकी कंट्रोल ही में नहीं है तो करोड़ों खरबों इंसान जमीन पर सजदा रेज हैं अल्लाह के आगे और जो इस दुनिया में सजदा नहीं करता था ओ सा तो अल्लाह के अल्लाह फैम वहम सालिमुन दुनिया में तुम सही सालिम थे पीठ अकड़ी हुई नहीं थी जब चाहते सजदा करते सुबह शाम चाहते सजदा करते उस वक्त तुमने सजदा नहीं किया तुम सालिम थे अब आज हम तुमको सजदा कर नहीं देंगे तो जितना आदमी कोशिश करेगा झुकने के साहब वो सजदा नहीं कर पाएगा आज तो ये साहब जो तकबर जो है जितनी इसकी जब ये जितना कमज़ोर होगा आप में उतना अल्लाह के आगे झुकना आसान हो जाएगा आप याद रखें कि जो आदमी नमाज से इनकार करता है कोई भी कोई भी, भी मुसलमान वो सिर्फ तकबर की वजह से इनकार करता है उसको मालूम नहीं होता कि हम तकब्बर कर रहे हैं अब सिर्फ तकबुर है देखे ना इस पर जितने लोग नहीं उठे फजर में तकबर की वजह से नहीं उठे रात को बग़ैर ईशा की नमाज पढ़े सो गए तकब्बर की वजह से उनको मालूम नहीं कि, कि हमें, हमें तकबर है और तकबुर यह है कि भाई हमारा जिसम हमारा वक्त हमारा मूड खींचतान के ला सकते हैं आप उसमें लेकिन तकब्बर एक अलग सिफत है उसमें यह है कि आप ये कह रहे हैं कि हम क्यों झुकें भाई ये वक्त हमारा है ये हमारा है इसमें हम अल्लाह ताला को क्यों टाइम दें आप न बोल ये अभी देखा आपने अंडा खाया चाय पी ये अमा ये किसने दिया मेरे भाई तकबुर यह है कि अभी लोग उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे बोलिए ब्रेकफास्ट से पहले बाथरूम जाएंगे और बाथरूम में सो, सोचते नहीं कि साहब जिस तरीके से अल्लाह ताला इस्तफ्राक करता है आप ये समझ लीजिए कि आप तो डॉक्टर हज़रत हैं मतलब एक जगह पेशाब अटक जाए पखाना आपको कब्ज हो जाए क्या हालत होती है साहब अब अल्लाह ताला बग़ैर किसी कुछ पैसे लिए हुए आप एक काफ़िर भी उठता है अल्लाह ताला उससे को भी कहते हैं इसको जो है ना आराम से कर लेने दो हो खजा वरना बेचारे को बहुत तकलीफ़ होगी हाँ तो ये पखाना पेशाब लिए फिर रहे हैं पेट में फिर भी हम बेवकूर तकबूर करते हैं फिर आपको खाने को देगा एक फासिक को भी देगा जानी को भी देगा गासिब को भी देगा और एक मुसलमान को भी देगा एक अल्लाह वाले को भी देगा अब उसके ये सब कुछ होने के बाद तो अल्लाह ताला से तकबर किया जाए कि अल्लाह ताला आपके लिए वक्त नहीं है तो ये तकबर की वजह से ये इसने अपने आप को समझा हुआ है वरना आप अपने आप को रखें अल्लाह के आगे तो आपकी क्या औकात है आप तो तिनका भी नहीं हो भाई हम सब लोग मिल के हम लोग की क्या सिफत है अब हमारी कोई औकात ही नहीं है मेरे भाई हम कुछ भी हों कुछ भी नहीं है आप आज मर गए कल कल दूसरा दिन यकीन जानिए आप अल्लाह ताला सबको सेहत दे वो हम लोग कैसे फ़्रेजाइल हैं अगेन आप लोग डॉक्टर से हजरात आपके आगे क्या बताया जब मेडिकल थे अभी देखिए डॉक्टर क्या ना उनका ताजुद्दीन भाई कल अब पिछले वीक तक थे अब उन पूरा वीक उनका जो है हार्ट की कॉम्प्लिकेशन में गुजरा अभी उनके दोस्त ने बताया कि रात को चार बजे उनका हार्ट अटैक हुआ है क्या हुआ है तो दो हुए तो अस्पताल लेके भागे हम इतने वो खुद हार्ट के डॉक्टर हैं लेकिन भाई हम अल्लाह की तब्दील के आगे बेकार हैं समझे है? <laughs> तो हम हैं कुछ नहीं साहब कल भी कुछ नहीं थे आज भी कुछ नहीं है, और कल तो कुछ होंगे ही नहीं <laughs> भाई कल तो कुछ होगा ही नहीं जब हम मर गए तो क्या हो गए <laughs> तो ये तकबर जो है ये अगर आज, आज आज आपको अल्लाह के आगे झुकने से रोक रहा है तो ये बड़ी अहमकाना सिफत है अल्लाह के आगे, आगे आप तकबर करें आप समझे तो ये तो अल्फाज ही नहीं है इसके तो हैं कहाँ गया सब सहला हाँ तो ये तो हो गया सब तो जब तकबर की सिफत कमज़ोर पड़ेगी तो इन ख़ुद ब खुद झुकना आपके लिए आसान होगा राइट अब एक चीज़ और जल्दी से बताएं इसीलिए था कुरान शरीफ का मुताला जरूरी कुरान शरीफ़ इंसान को उसकी औकात याद दिलाती है बगैर क़ुरान शरीफ़ के इंसान फ़िरन बन जाएगा वो कुरान शरीफ ही है जो इंसान को आयना दिखाती है आप अब देखिए ना इसी पे तकबुर पर अल्लाह ताला ने कितनी बातें कुरानशी में बयान की हैं और इस तकबर को तकबर कितनी ख़राब सिफत है इसको अल्लाह ताला ने इनाम आज जो हम पे आप किए ना उसकी तफसील देकर याद दिलाए हमको आपको कि हमने इतने इनाम किए थे तुम्हें तुमको हकी ही नहीं है कि तुम तकबर करो तो इसीलिए शरीफ का मुताला जो है वो वो समझ के सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि उसको समझना तदब्बर बहुत जरूरी है वरना फिर आदमी फिरौन बना रहेगा हाँ वो सुरैर रहमान पर पूरा कुरान शरीफ जो है वो भरा हुआ है अल्लाह ताला की नेमतों बयान से उसके बाद चले खैर आइए अब आइए हसद कहना जब हसद की जो ख़राब सिफत है जब ये कमज़ोर पड़ेगी तो फिर अब आप इंशाल्लाह जो सही बात है जो सही नसीहत है उसको कबूल करने लेंगे क्योंकि हसद नहीं है और फिर आप चाहें चाहेंगे हमारे भाई तक हम ये बात पहुंचा दें अपनी बहन तक ये बात पहुंचा दें सब लोग इससे मुस्तफ़ी हों क्योंकि हसद नहीं है ना अब कोई हमसे आगे चला गया तो कोई मसला ही नहीं अब जैसे हजरत अबू बकर ने कहा हरत उमर ने कहा अमां ज़िंदगी भर हमने नाक रगड़ दी लेकिन अबू बकर को किसी भी मैदान में बीट नहीं कर पाए <laughs> हम हमसे अबू बकर हमेशा आगे निकल गए अब ये हसद अच्छी थी ये अच्छी वाली थी समझ अब ये है कि जो भी है अब मिसाल के तौर पे जब वो तौबा कबूल हुई काब की तो जब वही आई सुबह सुबह वही आ गई जीबी इस्लाम को टाइम को तो कोई टाइम को तो था नहीं पीएम या एम वो किसी भी बात जाते सुबह सुबह आ गए चालीस दिन गुजर चुके थे अबूसलम भी वेट कर रहे थे कि अब तो आ जाएंगे कल आएंगे अल्लाह ताला ने भी जबरी से कह दिया अभी नहीं आएगा चालीस दिन बाद जाएंगे अब चालीस दिन बाद जब तोबा कबूल हुई और काब आए सुबह का वक्त अब अब जैसी जबरी आए और आयतें नादिल हुई लकत्त वो ग्यारहवें पारे में लकत्त ताब अल्लाह तो हुम खुद बहुत खुश हुए कि अल्लाह काब की और दुआ सहाबी जो थे तीनों की तोबा अब देखिए कंपटीशन कॉम्पे अच्छा कंपटीशन क्योंकि हजू सबने कहा भाई कोई जाए और जाकर काब को को जल्दी बुला के लाए आसमानों से उनकी तौबा जो है कबूल हो गई है ख़बर आ गई है आसमानों से अब कैसे जाए अब सब सहाबा जो थे वो सबको ये मालूम था तीनों जो है ना ये मुखलिस मुसलमान हैं अदबिल्ला वो नहीं है क्या नाम है मुनाफिक नहीं अब सबको ये था भाई जल्दी से अपने भाई को बताएं कि तुम्हारे मतलब क्राशी में आयत नादिल हो गई जो क्यामत तक पढ़ी जाएंगी तो कितना बड़ा तुम्हारी शर्फ है अब यह कि उनका घर थोड़े दूर पर था <laughs> अब ये था कि उनके घर तक सबसे पहले खबर कैसे लेके जाए हाँ तो हर उमर ने कहा मैं भागता हूँ बहुत तेज तो मैं धंदा भागता हुआ जाऊँगा और सीधे अब देखिये ये हज़ उमर भी उस वक्त कितने पचास साल के तो होंगे पता नहीं कितने पचास बाई पता नहीं ये फोर्टीज में होंगे लेकिन उन्होंने कहा हम भागते हैं <laughs> तो सोचिए है, उमर भाग रहे हैं गलियों मदीने गलियों से अब अबू अबूबक ने कहा कि इनको इन मियाँ को भागने दो <laughs> ये उन्होंने वो क्या गया उन्होंने इतनी वो छोटी सी एक हिल थी टीला था उस पर खड़े हो गए ऊँची बात मैं कहा कि काब अब सुबह फजर के वक्त वो भी मदीने शरीफ में जहाँ ना कोई फैक्ट्री है ना ट्रैफिक है आवाज़ साफ़ हाँ साब गई अब उनको मालूम था कि तजुद के लिए उठे होंगे तो सुन लेंगे अब क़ाप बैठे घर पर उनका ये तो अबूब की आवाज़ आई अब भाई जल्दी आओ तुम्हारी तोबा कबूल हो गई है अब इधर हद उम्र भाग रहे हैं उधर से आवाज़ सुन रहे यार ये तो आवाज़ पहुँच गई वहाँ तो इससे जब हर जब तक है अबूबक वहाँ हज़त उम्र पहुँचे काब तैयार थे मदीने शरीफ मजुनबी जाने के लिए तो हजरत उमर ने उस वक्त कहा कि पूरी जिंदगी हमने कोशिश की कि हजरत उमर को किसी मैदान में तो बीट करें अबू बक्र को किसी तो मैदान में बीट करें लेकिन हमेशा जो है वो हमसे आगे ही रहे ये एक अच्छी इसको कहते हैं ये हेल्दी कॉम्पिटी हाँ जैसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी कॉम्पटिशन है, है समझा हसद ये होता है कि ये महरूम हो जाए हमको मिल जाए कोई सी चीज़ में ये महरूम हो जाए इनसे ये नियमत छिन जाए हमको मिल जाए और, और किसी को मिले ना समझे ये साहब है ख़राब सिफत हसद की तो हसद क्या होती है कोई अच्छी चीज़ को कबूल करने से आपको रोकती है और लेकिन जब ये सिफत कमज़ोर पड़ती है तो फिर आपके लिए सही बात का कबूल करना आसान हो जाता है कि हसद नहीं है और फिर उस तक अपने भाई को पहुँचाना आसान हो जाता है आप में अब आइए चौथी चीज़ तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ यह है कि साहब गज़ब जब गज़ब की सिफत जो है वो कमज़ोर पड़ती है तोज़ो आती है साहब और अदल करना आसान होता है तोज़ो और अदल तब होगा जब ग़ब की सिफत कमज़ोर होगी चौथी है शहवत शहवत की, की सिफत जब कम होगी तो आपके लिए सब्र पाक दामनी और इबादत ये तीनों चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी जब शहबत प्रस्ती कमज़ोर होगी या खुदा करे ख़त्म ही हो जाए तो क्या सब्र और फिर इफाफ़ इफाफ़ कहते हैं पाक जिंदगी साफ़ जिंदगी तो आँखों की हिफाजत दिल की हिफाज़त ये जो है ना ये आसान फिर इबादत आसान हो जाती है सब शहबत नहीं है तब तो आपके दिल में सब अल्लाह ही अल्लाह है इसीलिए जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से हज़ारा दर्जे अफजल है क्योंकि बुढ़ापे में तो शहबत परस्ती भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है ना और जिसम भी 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 साथ नहीं देता है तो अब आदमी का जिसम भी साथ नहीं दे रहा है तो आदमी तो मजबूरा इबादत करता है कि अब क्या करें तो कहीं तमाम दरवादे बंद हो गए ये अल्लाह का दरवाज़ा खुला है चलो यहीं चलें तो मजबूरन आदमी इबादत करता है और जवानी में क्या है साहब शहवत परस्ती बिल्कुल अपने बामू पर है साहब और जिसम भी साथ दे रहा है अरमान भी कवि हैं आप समझे लेकिन उसके बावजूद एक नौजवान जो है वो इबादत करता है तो वो इबादत अल्लाह को बहुत बहुत ही कबूल है बहुत ही मतलब अल्लाह तो उसको अप्रिशिएट करता है समझे? तो ये हुआ था अच्छा तो ये चार चीज़ें हुई साहब अब सुनिए अब 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 इबन अब अब कैयीम क्या फरमा रहे हैं सुनिए ये चारों बातें हो गई इबन कईम फरमा रहे हैं कि व जवाल जिबाल अन अमाकिनी आई सर मिन जवाल हादिर हादिल अरबा अम्मतुलिया बिहा। कह रहे देखो एक बात सुनो कहने लगे जो आदमी इन चार खराब सिफात में मुबतला है वो ये समझ ले कि पहाड़ को हिलाना आसान है पहाड़ को अपनी जगह से हिलाना आसान है इन चारों सिफात से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है ये कम जाती नहीं है ये, ये ये जाती नहीं है तो इसके मतलब ये इसके लिए सख्त मुजाहिदा करना पड़ता है इसीलिए अल्लाह वाले जो हैं वो फिर आपको मुजाहिदा कराते हैं जो कहते हैं सुलूक कहते हैं सुलूक तय तय कराते हैं जिन जिन चीज़ों में आपको अब जैसे मैं आपको बताऊँ मौाना थानवी साहब के पास गए <laughs> बड़े बड़े लोग अब वो कहाँ अपना इकबाल भाई अब इनके जो इकबाल भाई के जो जो ससुर हैं मौना भाऊदी साहब ये तो मिले हुए हैं उनसे मौाना थानवी साहब से भी और से भी अब मैं आपसे वो मिसाल देता हूँ कि इतना बड़ा शायर जिसको कहते हैं शहनशाह मुतगजिन जिगर अब देखिए कि जब वो गए थानवी साहब के पास तो चूँकि इनमें मतलब है मैं शहबत परस्ती अच्छा बोतल में, में ये रहते थे जिगर साहब मुसलसल पीते रहते थे और मुशायरे में तो खैर धुता आते थे कहीं तो उनको उठा कर लाया लाया जाता था कि एक मुशायरे पढ़ रहे थे रदीद थी इनकी गदल की शराब तो जिन लोगों ने देखा है हमारे मामू वगैरह ने देखा था मुशायरों में तो वो तो ऐसा पढ़ते थे कि पूरा मु, पूरा मुशारे गाह जो था सब मिल के शराब शराब कहने लगते थे मतलब ये हाल था इनका तो वो क्या है वो गज़ल है कि न फे, ए जालिम नहीं न ना फेक ए, ए ना से जालिम शराब है ये ज़ालिम शराब है ये रद, रदीर थी गज़ल की तो वो वेल तो मैं ये कह रहा था तो इसके लिए वो फिर जो आदमी इतना धुत था समझा और इतना रसिया था उसका शराब का तो वो फिर जब थानवी साहब पास गए तो उन्होंने फिर उनको सलूक वैसे ही किया फिर उसके उसके बाद जो उन्होंने तो उसका असर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह शराब छूट गई शराब छूटी और ऐसी छूटी कि फिर वो दोबारा उन्हें चखी नहीं वो मशहूर है कि मोह थानवी साहब से उन्होंने रोते हुए कहा था कि हज़रत तीन चीज़ों के लिए दुआ कर दें पहली चीज़ तो ये कम वक़्त ये छुट जाए और दूसरी है कि मैं हज कर लूं और फिर देखिए आप कहते तीसरी ये है कि मैं दाढ़ी रख लूं ये तीन थी और ती, अल्लाह ताला ने तीनों तीनों पूरी करा दी ये भी छूटी उसके अल्लाह अगर तौफीक उसके बाद उन्हें ये ये, ये गज़ल कही थी जो बड़ी मशहूर हुई अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान की बस की बात नहीं फैज़ान मोहब्बत आम सही इरफान मोहब्बत आन नहीं आना है बज़ में जाना में तो पिंदार खुद ही को तोड़ के आ ए हो शुरत के दीवाने, यहाँ हो का काम नहीं मुसलसल गज़ल और भी ग़ल तो ऐसी मौत हामिद साहब ने उनके साथ किया हसन साहब मज्ब जो बहुत बड़े शायर थे वो भी कि वो वो ऐसे शायर थे साहब के मतलब उनकी एक एक गजल जो है उसमें ढाई ढाई सौ तीन तीन सौ अशार हैं और उस आदमी का कादुल कलामी का ये आलम था कि बगैर ब्याज देखे हुए पढ़ते थे तीन तीन चार चार सौ अशार याद हैं जहन में अब आपको बताएं हमारे चचा थे मुफ्ती रजा अंसारी साहब उन्होंने कलाम मजूब नहीं कलाम महजूब पर एक किताब लिखी फिर इसी मजरूब साहब की क्योंकि हमारे लखनऊ में तो हमारे घर के सामने रहते थे तो, okay. तो उनका उनके कलाम का इंतखब किया और कलाम मजजूब करके किताब छापी कोई चालीस पचास साल पहले तो मैं जब लखनऊ से आता तो मैं ले आया मेरे पास है तो उसमें राच ने लिखा कि दो या तीन मतलब ऐसा वाक़ हुआ कि हमारे जो ख़ानदान के जो बुजुर्ग थे उस वक़्त ये थर्टीज़ फोर्टीज़ की बात होगी तो उन्होंने कहा मियाँ मजूद साहब को आज बुलाते हैं और उनसे उनका कलाम सुनते हैं तो ये महफिल शुरू होती थी ईशा के बाद खाना ना खा कर चाय के पास शुरू होती थी यकीन जानिए कि फजर तक चलती थी फजर तक चलती थी और रात भर ये मजूब साहब अपना कलाम सुनाते तो कमाल की बात यह है कि बगर ब्यास के बगैर ब्याज ब्याज मतलब जो 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 बुक होती है इसमें इस, बग़र उसके ऐसे कादुल कलाम थे बहल बहल अच्छा वो थे पढ़े लिखे इंस्पेक्टर थे स्कूल्स के तो उस जमाने में टमटम -टम चलती थी तो बिल्कुल थ्री पीस सूट वाले आदमी थे उसके बाद फिर जब मौना थानवी साहब की खिदमत में पहुँचे तो ये लंबी दाढ़ी और वो लंबा कुर्ता और बिल्कुल सर पे टोपी बिल्कुल वो बदल गया तो खैर इसलाह की बात बता रहे हैं कि मौलाना थानवी साहब ने उनसे कहा कि मियाँ ऐसा है जब तक मैं ना कहूँ अब आप एक शेर नहीं कह नहीं पढ़ेंगे <laughs> एक ऐसा काजुल कलाम शायर उसको आप रोक दें उन्हें अब जब तक मैं इजाजत ना दूं आप एक शेर नहीं कहेंगे <laughs> तो कहते हैं कि इनकी हालत ऐसी हो गई थी चंद्रोज के बाद जैसे तालाब के बाहर कोई मछली पड़ी तड़प रही हो नहीं पढ़ेंगे आप अभी अल्लाह वालों की असलाह थी कुछ तो उसको मारना था फिर कई महीने गुजर गए सब हो गए तब मौना माना, सा, सा, माना थानवी साहब ने उनकी तो मतलब वो जो सलाह होता है ना जैसा मर्ज होता है वैसी तशखीस होती है फिर फिर वैसी इलाज होता है तो इसको इसको, इसको ये फरमाने के वजह कि अगर किसी में ये सिफात हैं तो पहाड़ को अपनी घर से हिलाना आसान है ये सिफ़ात बिल्कुल लिया निकालना जो है बहुत बहुत मुश्किल है हम और साहब हम आप जो हैं हम और आप जो हैं तो इसमें तो मुबतला हैं ये चारों सिफ़ात हैं हम लोगों में इला माशा देखिए ना अब क्या आप, आप में हमें तकबर नहीं है बहुत तकबुर है आप में हमें हसद नहीं है बहुत है और गजब तो सब हमारी नाक पर रखी हुई है वाह और क्या हमें शहबत परस्ती नहीं है बहुत ज़्यादा है और ये अगर ये ये चार चीज़ें हैं तो आदमी अल्लाह वाला नहीं बन सकता अल्लाह वाला बनने के लिए साहब इसको इसीलिए कुरान हदीस तरफ आना ज़रूरी है अच्छा चलिए साहब वो ये कता याद कर लिए साहब उनका आप लोगों को शायद याद भी बहुत प्यारा शेर देखिए साहब ये तसव्फ़ की असलाह की जान है सब ये शायर ख़ुद भी बहुत बड़े सूफ़ी थे उन्होंने कहा खबर तहैर इश्क सुन खबर दे, अल्फाज देखेगा क्या प्यारे शेर है ये तस्फ़ का है खबर तहैर इश्क सुन ना जुनू रहा ना ना परी रही ये जो जुनू है जवानी का परी मतलब औरत की मोहब्बत तो कहते हैं खबर तहैर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही न तो न तो वो तू रहा न तो वो मैं रहा जो रही सो बे ख़बरी रही तू रहा न वो मैं रहा जो रही सो बे ख़बरी रही अब सुनिए आप कहते हैं चली सिम तय है देखिए आप चले सिम गाय ये, ये कुरान हदीस है चले सिम तैब से एक हवा चली सिम तैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया चली सिम तैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सोहरी रही <laughs> मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सुहरी रही तो शायर ये कह रहा है कि सब लेकिन हमारा दिल जो है वो हमेशा हरा रहा अब तो जितना सुरूर था जितनी नफ्स परस्ती थी कुरान हदीस ने अलहमदिल्ला लेकिन उससे एक फ़ायदा और भी ये हुआ कि हमारा दिल हमेशा हरा रहा तो अल्लाह ताला दिल को जिलाने के लिए आता है मारने के लिए नहीं आता है समझा हाँ, वो क्या था के, के, हाँ, और भी है इसका एक और शेर है के, आ, किताब अखर जो जो ताकत थी सो धरी रही क्या है सर एक और शेर नासिर भाई ने याद दिलाया चली सिमत गैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया मगर एक एक शाह शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सुहरी रही के आ, के याद है तीसरा शेर इसका देखिए कहीं जी वो भी बहुत बड़ा शेर खैर ताक़ बहरू मफह भी याद आ रहा है बता देते हैं वो ये शायर कह है कि साहब जितनी जितना फलसफा था ना आपका जब, वो जब कुरान हदीस समझ में आई वो वो धरा का धरा रह गया जितना था ना मैं ये समझता हूँ आई थिंक आई थिंक वो सब ताक पे धरा था वो, वो धरा रहा क़ुरान हदीस ने आकर जो फ़लसफा दिया है उससे उसके आगे तमाम फलसफे मान पड़ गए वही कह रहा है नहीं शायद नहीं आ रहा दूसरा मेरे याद आ रहा है वो किताब अकल की जो ताक पे थी धरी रही सो धरी है अच्छा खैर इसको जल्दी से कर लीजिए आप अच्छा अब ये फरमाते हैं तो है? तो ये बात अच्छा मैंने बला सिरा सायात रास्म साहब फ़ैन आमन अरब अब सुनिया अब इब्न कई फरमाे हैं कि इन सिफात के साथ ये जो ख़राब सिफात चारों बयान की हैं कहने मियाँ ये समझ लो इसफा के साथ इंसान कोई भी अच्छा अमल करे वो कतई काबिल कबूल नहीं अल्लाह के नज़ी है ही नहीं कबूल इसी हम लोग कहते कहा गया ना कि अमल पे, पर जोर मत दो पहले सफाई पे जोर दो क्योंकि इनके साथ अगर अमल किया जाएगा वो काबिल कबूल नहीं है अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा वाला तस्कु अन क्या बिहार सभी और कहते हैं जितना ज्यादा आप आ, अमल पे ध्यान देंगे राइट कि आप ज़्यादा अमल आमाल कर रहे हैं नमाज भी पढ़ रहे हैं तिलावत भी कर रहे हैं और भी अच्छे अमाल कर रहे हैं लेकिन अपनी अपने पर तोजह कतई नहीं है बोले अनफॉर्चुनेटली दूसरों पर तोज्जो बहुत है <laughs> अपने पतवजो नहीं है तो कहने है कि इन के साथ तुमको मालूम होगा क़्यामत में कि तुम्हारा तुम्हारे नामा अमाल में कुछ है ही नहीं सब ज़ीरो सिफर आप सब सिफर तो इसलिए ये कहने के अप, अपने अंदर की सफाई जरूरी है अमाल पर जोर मत दो पहले अपनी सफाई पर जोर दो और सुने कहने जितना तुम अमल पर जोर दोगे इन पर नहीं दोगे उतने ही ये खबीस सिफात बढ़ती रहेंगी क्योंकि तो उसको तो आपने खुला छोड़ दिया भाई देखे ना शहबत परस्ती फुल टाइम चल रही है गज़ब ऐसा है कि आपके आपके बेगम बच्चे सब आपसे खार खाते हैं डरते भागते हैं हसद का ये आलम है कि किसी को आप देख नहीं सकते पनपता अब बस सबसे आपको हसद है और तकबर का ये आलम है कि अना अपने रब का मोलला अपने आप समझते ही नहीं आप समझ रहे तो इसके साथ आप अमाल बहुत कर रहे हैं नमाज रोज़ा हज ज़कात खूब चल रही साहब तो वो ये वही कह रहे हैं कि तुम जितना अमल ये करोगे ना ये उतने वो कम चारों जो देव हैं वो वो और मजबूत होते रहेंगे क्योंकि तुमको तुमको ये हो रहा है कि भाई मैं तो भाई नमाज उदा बहुत कर रहा हूँ उससे नफ्स मोटा तो हो रहा है इसीलिए साहब क़्यामत में मालूम होगा कि कुछ हमारा कबूल हुआ है नहीं कबूल हुआ है नहीं इसीलिए कहा गया किसी को आप हकीर मत समझिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं किसका कबूल हुआ पता नहीं किसका कबूल हुआ आपको नहीं मालूम और जिसका कबूल हो गया वो खुश खुशकस्मत है हम आपका सब कुछ होने के बावजूद जीरो हो गया तो हम लोग तो बिल्कुल ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। और सुनिए कहते हैं अब अब सुनिए जल्दी कहते हैं कि जितनी ये चारों सिफात मजबूत होंगी ना आप में, ये खबी सिफात, है इन पर तोज्जो नहीं दिया आपने ये उतनी मोटी हो रही हैं। तो कहते हैं फिर क्या होता है कि जब ये दिल में रासिक हो जाती है ना ये खबा खराब सिफात अब क्या होता है अब एक नाज वो वक्त आता है सुनिए आप कि बातिल जो है वो आपको हक की सूरत में, में नजर आता है सुनिए आप ये कितर जबरदस्त बात है अल्लाह बचाए कि आपको बातिल जो है वो हक की सूरत में नजर आ रहा है और हक जो है वो आपको बातिल की सूरत में नजर आ रहा है आप आ, आपको आदत गई इसकी और कहने मारूफ जो है वो मुनकर की सूरत में नजर आ रहा है और मुनकर जो है वो मारूफ की हर चीज उल्टी अब आपको नजर आएगी क्योंकि एक ज़माना गुजर गया ना इसके ऊपर अब वो इतने ज्यादा मुस्तकम मजबूत हो गई हैं ये खराब सिफात कि अब आप जो कहना अकल खपत हो जाती है और फिर दुनिया उसके करीब हो जाती है आखिरत बहुत दूर हो जाती है कहते हैं कि अभी ये दे देखिए कहने देखो सुनिए आपसे कहने देखो जितनी उम्मतें पीछे गुजरी हैं कोई भी नमाज रोज़े की वजह से अजाब में नहीं आई है मतलब वो नमाज रोज़ा नहीं करती थी अल्लाह ने वो बर्दाश्त कर लिया उन पर अजाब नहीं भेजा नमाज नहीं पढ़ रहे लेकिन अल्लाह कहना नहीं कोई बात नहीं यहाँ पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं लेकिन जब ये ये चारों सिफात थी उनमें ये उनमें से एक सिफत थी बस अल्लाह ने कहा नहीं इन कब वक्तों को मारो आ तो ये सिफात आप देखें चाहे वो समूद समूद क्यों मारे गए साल सलाम ने कहा था इन्होंने क्या किया तकबुर किया मारे गए आप वाँगे? तो इसलिए साहब ये जो है अजाब तब आता है जब यह ख़राब सिफात होती हैं नमाज इबादत ना करने पे पिटाई नहीं होती है जब इंसान में ख़राब सिफात होती हैं तब पिटाई होती है और दुनिया में ये अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे आखिर में पिटाई होगी लेकिन दुनिया में पिटाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है दुनिया में पिटाई होगी जब हमारे आमार ख़राब होंगे देखिए ना दुनिया में काफिर कौम इसलिए आगे हैं क्योंकि उनमें उन सिफात अच्छी हैं भाई देखे ना आप अमेरिका में बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं इसलिए कि इन कॉमों में सिफात अच्छी हैं हालांकि नमाज़ रोज़ा नहीं है अल्लाह अल्लाह बर्दाश्त कर लेता है कोई बात नहीं हम इनको तरक्की देंगे हालांकि ना नमाज़ ना रोज़ा ना हज ज़कात कुछ भी नहीं है इनमें हमारे पास सब कुछ है लेकिन आमाल नहीं है तो इसको ये कह रहे कि अगर तुम देखो कि जितनी भी कौमों को अल्लाह ने पनिश किया है वो नमाज रोज़ा न होने पर नहीं किया है बल्कि इन ख़राब सिफात की वजह से किया है। और भी हिसाब काफी इनशाला इस पर और भी उन्होंने काफी लिखा है नक्स भी करेंगे इनशा अल्लाह साहब तो ये चार सिफात याद रखिएगा साहब शिफात भाई मतलब आप बता दी वो क्या है चारों चलिए हसदुस्सा शहवत परस्ती तकबर बस क्या बात है भाई आज तो आपने कमाल कर दिया चारों ए प्लस हो गया आपका जी चाहे आप जल्दी से कर लें अब आजम की बात हो रही थी ना तो इया का व व्याया का नस्ताइन में सिफत अज्म है अज़्म क्या है कि आपने इबादत की और अल्लाह ताला ही से मांगने की सिर्फ अल्लाह से मांगने की आपने मतलब हाँ आपने वह आजम कर लिया कि ज़िंदगी भर अब मांगेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी और किसी की नहीं होगी तो ये पक्का इरादा जो है इसको कहते हैं आजम अब इसमें ये फरमा रहे हैं कि देखो आज ये आखिरी क्लास होगा आज़म का ये ख़त्म हो गया अब कहते हैं आज़म फरमा रहे हैं मा आफतम आज़म वो ये कह रहे हैं कि आखिरी बात अज़म की के तुम ये समझ लो कि अगर तुमने आजम किया है तो ये समझ लो कि करने की तो अल्लाह ने तुमको दी है मतलब ये है कि आजम अगर आपने किया है या करना आपने या करना तो कभी खुद उसका क्रेडिट मत लो ये क्रेडिट तुमको जाता ही नहीं क्रेडिट <स्थित> जो है उसमा वमा तोफ़ी अल्ला बिल्ला यह जो तोफ़ी है ना ये अल्लाह तला की तरफ से दी हुई है आप समझे तो जो कुछ है वो ये आजम जो है ये आजम अल्लाह ताला ही की चीज़ की तोफ़ी से है साहब आप समझे तो मतलब मतलब हम और आप जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह हर तरफ नज़र आता है तो किसी चीज़ का क्रेडिट आप खुद मत मत लीजिए अगर आपने क्रेडिट खुद लिया तो फिर वो यहाँ से तकबर और अनानियत होती है तो उसको फरमाने के मिल आज़म। वो कह रहे हैं कि आज़म जो किया है ना तो आज़म का तमाम क्रेडिट ए टू जी खुद मत लेना सब कहो अल्लाह ताला सब आपकी तौफीक है हम कहाँ क्या था वो ख्वाजा मीर दर्द का शेर है कि कहाँ मैं और कहाँ ये निखते गुल कहाँ मैं और कहाँ ये निखते गुल बाद सबा तेरी तेरी मेहरबानियाँ बाद सबा तेरी मेहरबानियाँ वरना मैं कहाँ और कहाँ निखते गुल इसी पे उस इस पर सौदा का मीर सौदा का बहुत शेर है कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ नहीं हाँ गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की कितना प्यारा शेर देखिए आप गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी अः खाना बरंदाद चमन कुछ तो इधर भी कितना प्यारा शेर अः खाना बर बरंदाद चमन बहुत प्यारा शेर कुछ तो कुछ तो इधर भी तो जो कुछ है साहब अल्लाह की, 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 की तरफ से जो समर आया या कुछ भी आया सब अल्लाह की तरफ से आया जहाँ इंसान ने क्रेडिट क्रेडिट लिया तो इंसान साहब उसकी कोई हैसियत नहीं है तो ये कह रहे हैं अज़म जब करो तो क्रेडिट खुद बतलो फिर कह रहे हैं सुम्बल ख़िलास मिन तकालीफ़ी तरक लज़म फिन आज़ायम लम तूरस अरबाबूआ मीरासन अकरब मिन वफुम अलम अब यहाँ पे साहब फिर शुरू फल तख्लु हाँ अब कह रहे हैं खुदा न खास्त कभी आपके दिल में ये बात आती है कि अलहमदिल्ला हम देख सुनिए यह काम जो मैंने किया है यह ज़बरदस्त हो गया अलहमदिल्ला तो अब देखिए आप, आप फ़र्क देखिए किसी काम के ऊपर अच्छी फीलिंग आना यह अच्छी बात है जैसे आपने नमाज पढ़ी आप एक फीलिंग आएगी अलहमदिल्ला यार नमाज पढ़ के बहुत सुकून मिला तो ये सुकून की जो कैफियत है ना ये तो फितरी बात है ये अच्छी बात है लेकिन अगर आप कहें उसका क्रेडिट आप खुद ले लें ये गलत होता है ये फ़र्क देखिए आप मतलब एक इत्मीनान आए पीसफुल फीलिंग आए किसी अच्छे अमल के बाद ये तो एक फ़ितरी बात है जैसा अल्लादी नामूआतम कलूब हमदिल्ला अलाबकिल्लमूब कि भाई जिक्र करोगे तो दिन को सुकून बहुत मिलेगा जिक्र से सुकून है राइट लेकिन क्रेडिट करना लेना ये गलत है अगर आप क्रेडिट लेंगे तो अल्लाह फिर आपको आप ही के ऊपर छोड़ देगा जॉ करो अगर हम बहा, बगैर हमारे तोफी है तुम कर सकते हो तो जाओ करो इसलिए क्या ये फरमा रहे हैं कि तर के क्या नाम है तर के अज़म जो है वो भी ज़रूरी है वो ये है कि कभी आप इसका क्रेडिट ख़ुद मत लो भाई अच्छा अच्छा अब आखिरी बात साहब बिल्कुल है वो ये है फ इन आज़ाइम लम्बू अच्छा कहते हैं साहब मदारज़ायम अला साइया अच्छा साहब ये कह रहे हैं कि साहब अनिल व शवाबुलजूज़ अच्छा साहब आज़म में एक चीज़ है साहब आजम जब आदमी करता है तो हजूज को को नहीं नहीं देखता है हजूज क्या है कैफ़ियात को देखिए काम आपको जो करना है वो करना है उसमें कैफियात हासिल हो या ना हासिल हो राइट right? ये गारंटी अल्लाह की तरफ से नहीं है वो ये कह रहे हैं कि साहब आपको नमाज पढ़नी है आपका मूड नहीं है फिर भी पढ़नी है। मूड ख़राब है थके हुए हैं आप। आपके यार नहीं हाँ ये ज़रूर है कि अभी अगर आपको ये पक्का यकीन है कि थोड़ा रुक के अगर पढ़ेंगे तो आप नमाज अच्छी पढ़ लेंगे अभी आप बहुत थके हुए हैं तो खैर थोड़ा अब आप आप, आप रुक जाए लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अपने अज़म को का मदार हजूस पे ना हो कैफियात पर ना हो आप समझें तो कि अगर आप कैफियत पर हुआ कि हुआ तो जिस वक्त कैफियत हासिल है आप वो करेंगे वो कैफियत हासिल नहीं है तो फिर आप नहीं करेंगे अब इसलिए नबी पाक अलैहि वसल्लम सु कि भाई नमाज वक्त आ जाए तो अव्वल वक्त पढ़ लो अब चाहे आपको उस वक्त मूड है या नहीं है समझे आप पढ़ लीजिए वो कह रहे हैं अपने अज़म का मदार हजूस पर, पर मत रखो अरे हमारे बच्चे हैं उनसे नमाज के लिए कहिए वो अभी मूड नहीं है अभी पढ़ लेंगे अभी अभी, अभी 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 पढ़ लेंगे अभी मूड नहीं है अभी मूड क्या हम हिंदुस्तान में होते अब एक डंडा लगाते तमाम मूड सही हो जाते टाइम हो गया हो गया हाँ यहाँ बच्चे हैं वो कहते हैं जब अच्छा कभी आप बच्चों के अच्छे मूड में फोन तैयार तो हो जाते हैं अच्छा अच्छा ये ये बड़े बच्चों को भी हाल है <laughs> उनका आदत है कि जब मूड होगा तब आएंगे गए okay? तो ये कहना अज्म में मूड का मूड स्विंग्स कोई हैसियत नहीं रखती है राइट नंबर वन नंबर टू ये है कि अमल के बाद सुनिएगा अमल के बाद कैसी कैफियत हो रही है आपकी अच्छी हो अच्छी हो रही है या या नाउबिल्ला ख़राब हो रही है इसका भी भी इसकी भी भी कोई हैसियत नहीं है आप समझ मतलब फर्स्ट कर नमाज के बाद भी आप में वो कैफियत पैदा नहीं हुई जो आपकी कल हुई थी कल जब नमाज आपने पढ़ी थी आपको बड़ा अच्छा लग रहा था आज आपने नमाज पढ़ी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है यह कल कुरानशी पढ़ने में बहुत दिल लग रहा था आज कुरानशी पढ़ने में वो कैफियत और सुलूल हासिल नहीं है तुमने कही फरमा रहे हैं कि ये शवाय व हजूस जो है ना ये आते जाते रहते हैं तुमने जो आजम किया अमल का वो करते रहो कभी तुमको वो कैफियत मिलेगी और कभी आपको कैफियत नहीं मिलेगी लेकिन इसका मदार अमल का मदार इन कैफिया पर पर ना हो वरना फिर फिर आज़म आजम क्या हुआ हाँ खर वो अलग बात है टक्कर में मरला यह कि बहुत जल्दी जल्दी आदमी नमाज़ पढ़े उसके अरकान अदा ना करे खुशु व खुजू ना हो नहीं लेकिन खुशु खुशू में कभी हासिल होता है कभी नहीं होती है। लेकिन कम से कम नमाज के जो अरकान हैं वो कायदे से अदा हों कभी कैफियत होगी और, और 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 कभी नहीं होगी तो अब जैसे एक दिन नबीपा भाई मशहूर के नबीपा तहज पढ़ रहे थे रात को आयशा को आ, पहचान नहीं पाए अब वो कैफियत थी हज़ आयशा फरमाए तो, तो तुम कौन हो अल्लाह के रसूल मैं खैर तो सुबह हुजूर से फरमाया गया देखो हाँ कहाँ कौन तो ये दूसरे ने बताया हुजूर सर ने कि भाई ये कैफियत होती है अब ये कैफ़ियत रोज़ की नहीं थी हुम के भी, भी ये कैफियत रोज़ की नहीं थी कभी इतना कुर्ब अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह से हासिल है कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं आती या। ये इस, उसने इसी इसी को मजमून बनाया था उसने असगर गोंडवी ने कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं आती याद नहीं आता था, था तो ये है लेकिन वो उसम को भी वो वो कैफियत रोज़ की नहीं थी तो इसलिए कभी अल्लाह ताला वो तैफियत फरमाएगा कभी नहीं लेकिन अमल चलता रहे अमल में कमजोरी ना आए राइट और बिल्कुल आखिरी बात सही है फैजा आरफ क्या गया रुत मशहूदिया वनबुहा इमने कई फरमा रहे हैं कि ये जो आज़म आपने किया है राइट और इस, वो, इसके जो शहूद है शहूद मतलब इसको अज़म कर ये अज़म करने के बाद आपने जो आमाल किए हैं अलहदुल्ला कर लेंगे मैं फिर कह रहा हूँ आखिरी बात कहें मैं फिर कह रहा हूँ इसका क्रेडिट खुद कभी कभी मत लेना वरना ये ये छिन जाएंगे अल्लाह ताला ये चीज़ छीन लेता है क्रेडिट आपने ख़ुद लिया ये अल्लाह ताला छीन लेगा तो इसलिए जो अमाल हो रहे हैं आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताल की तोफ़ी से हो रहे हैं समझिए और ये आजम जो है ये मौत तक कहो साहब अब मौत तक हम अल्लाह की या का या का नस्ताइन मौत तक जो है ये करेंगे मौत ही से साहब वो छुटेगा था तो ये था साहब अच्छा आजम जी तो जी तो ये तो अच्छी ये ये अच्छी कैफियत है ये एक अच्छी कैफियत है जी 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 ये तो बहुत आ, मतलब ये तो अच्छी बात है कि मतलब जी मतलब ये आपको बोया अच्छी अलामत है जी चलिए अभी आज जल्दी क्लास ख़त्म हो गया थोड़े से अशास सुनिएगा आप आप लोग ने हमने चीधा चीजें किया देखिए दुआ से पहले करेंगे आपको जाना है क्या नमाज पढ़ है, दो चार ऐसा सुन लिया हमने आप लोगों के लिए हमने पूरे वीक हम जमा करते हैं कि आपको सुनाएंगे तो साहब ये मोहब्बत की बात बता रहे हैं, हैं, हैं शायर कहते हैं, कहते हैं, पूछ लेते पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा पूछ लेते पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा कितना <laughs> 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 पूछ लेते पूछ लेते से पूछ लेते आप बस ये कहते थे वो आ जाती मतलब पूछ लेती वो <laughs> कितना कैसा है, आप ठीक हो <laughs> जाते पूछ लेते वो वो बस मिजाज मेरा क्या आपको मिजाज खाइए थे तो पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा फिर आगे कहते हैं कि अच्छा साहब अब एक गज़ल है जल्दी से मैं आपको सुना दूँ मैं, मैंने शायद ये आपको सुनाई थी एक आध साल पहले लेकिन उस दिन मैं पढ़ रहा था तो अहमद नदीम कासमी की है बहुत उम्दा साहब कहते हैं जब तेरा हुक्म मिला जब तेरा हुक्म मिला तर के मोहब्बत कर दी देखिए मतलब उनका हुक्म मिला तो मोहब्बत ना करो नहीं करेंगे जब तेरा हुक्म मिला तर के मोहब्बत कर दी दिल मगर उस पर ऐसा तड़पा कि क़्यामत कर दी दिल मतलब तो मोहब्बत करना तो फितरी चीज है ना तो कहते हैं जब तो तेरा हुक्म मिला तर के मोहब्बत कर कर दी दिल मगर उस पर ऐसा तड़पा कि क़्यामत कर दी कहते हैं सुनिए शेर सुनिए नासिर भाई देखिए कितना लतीफ़ शेर है कहता है तुझसे किस तरह तुझसे किस तरह मैं इजहार मोहब्बत करता तुझसे मैं किस तरह इजहार मोहब्बत करता लव सूझा तो माने ने बगावत कर दी बहुत मैं कहता है तुझसे किस तरह तुझसे किस तरह मैं इजहार मोहब्बत करता लव सूझा तो माने ने बगावत कर दी <laughs> लफ सूझा तो माने ने बगावत कर दी फिर कहते हैं कहते हैं कि मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले मैं तो समझा था मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले तूने जाकर तो तो जुदाई मेरी मुकद्दर कर दी मैं मेरी किस्मत कर दी तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी कहते हैं अब तो दुश्मन के इरादों पे, पे भी प्यार आता है अब तो दुश्मन के दुश्मन के अब तो दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी तेरी तेरी उल्फत ने आखिरी शेर सुनिए सुनिए आप <laughs> <laughs> कहता है पूछ बैठा हूं सुनिए आप पूछ बैठा हूं मैं से तेरे कूचे का पता तुझ से आ, ये गालिब का भी एक शेर था उसी से कहते पूछ बैठा हूं मैं तुझ से हाँ मैं उसी से पूछ रहा हूं बै, बै, पूछ बैठा हूं मैं तुझ से तेरे कूचे का पता तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी पहचान ही नहीं पाया और मैं उसी से पूछ रहा हूँ कि कहीं तुमने उनको देखा है तो वो कह रहा है कि पूछ बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे कूचे का पता तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी बहुत सूरत कर दी मतलब मैं तुम्ही से पूछता हूँ आप जानते हैं साहब वो कहाँ रहते हैं तो बहुत शेर शेरत पूछ बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे कूचे का पता तेरे हा... हा? तेरे हालात लेकिन ये पहले के जो जो दो शेर हैं मतलब तो तुझसे किस तरह मैं इजहार मोहब्बत करता मैं तुझसे किस तरह मैं इजहार मोहब्बत करता लव सूझा तो माने ने बगावत कर दी हमारे भाई इजाज़ दीजिएगा एक आध शेरवा सुना देखिए हम आपको आठ बजे छोड़ते हैं देख देख अभी हमारे पास टाइम है ऐसी बात नहीं है अभी चले ये ये अशात आदि भाई की नज़र करते हैं उनके नज़र नहीं क्या चीज़ नहीं नहीं सब लोग सुनते हैं वो एक आध लोग चलिए सब जल्दी से एक एक वो सुन लेते हैं इसको सुनिए कहते हैं शे, शेताबुद्दीन शेख सुनाया था मैंने कहा जॉन एलिया कहता है मरना तो मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं मरना लो, रो, रो, रोजी मरते हैं कहते हैं मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं इस दौरे नागवार में जीना कमाल है इस इस दौरे नागवार में जीना कमाल है मरना तो <laughs> मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं मरना तो इस जहां में भाई मरने को मर गए अच्छा आदमी मरता तो एक सेकंड में जीता तो है साल भर साला साल तो कहता है, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं इस दौर नागवार में जीना कमाल है अच्छा चलिए अब आप परवीन शाकिर को भी सुन लीजिए परवीन शाकिर का नाम सुन के साहब शफात भाई मुस्कुराते जरूर है चले साहब उसका एक ये शेर बहुत उमदा लगा मुझको मैंने आप लोगों के सेफ किया वो कहता है वो कहती है तू साथ नहीं है तू साथ नहीं है तो मुकाबिल ही खड़ा रहे मुकाबिल हमारा दुश्मन हो तो कहते हैं तू साथ नहीं है तो मुकाबिल ही, ही ही खड़ा रहे इतनी तो तो इतनी तो इतनी तसल्ली रहे कि तनहा नहीं हूं मैं अच्छा <सफ़ीज्तितिये देखे> कहते तू साथ नहीं है तो मुकाबिल ही खड़ा रहे इतनी तो तसल्ली रहे कि तनहा नहीं हूं मैं और जॉन को सुनिए आप जॉन कहता है कि तकलीफ की डेफिनेशन क्या पेन की तो अब जॉन के अपने कहते हैं और देखिए जॉन का जो है से लगता है बातें कर रहा है कर, और जानते हो तकलीफ क्या है और जानते हो और जानते हो तकलीफ क्या है जिनके लिए बदले थे उनका बदल जाना और और जानते हो तकलीफ क्या है जिनके लिए बदले थे उनके लिए उनका बदल जाना जोश का जोश का बहुत अच्छा है अच्छा मैं एक आदि एक बात सुनाता हूँ मेरे पास छह मिनट है उससे पहले आपको नहीं मैंने एक और आपके लिए शेष नहीं, <laughs> नहीं बस अरे भाई को पसंद ही नहीं है हम क्या करें नहीं, नहीं अच्छा जिस हाँ ये सुनिए शेर अरे भाई ये आपको शेर पसंद आएगा कहते हैं देखिए जॉन कहता है जिस दर्द से है? जिस दर्द से गुजरे हैं हम सुनिए आप अल्फाज देखिए देखिए जिस दर्द से जिस दर्द से जिस दर्द से गुजरे हैं हम तुम गुजरते तो गुजर गुजर ही गए होते उदर, जिस <laughs> दल से जिस दल से गुजरे हैं हम तुम गुजरते गुजर जाते देखिए एक आदल है बस और नहीं है हाँ सुनिए देखिये अब ये कहता है सुनिए आप कहते हैं जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों जुर्म में अब देखिए ये मुकाफात अमल जो नहीं है उसको कह रहा है जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों जुर्म में हम करें भी तो क्यों तुम सजा भी तो कम नहीं करते गलत गदब, गदब कर शेर बहुत बहुत प्यारा शेर तुम सजा में भी तो सजा भी तो कम नहीं करते अरे बहुत बहुत कहता है अहमद फराज से मुझे बहुत पूरी पूरी गजलें याद हैं कौन सी गजल सुनेंगे आप नहीं रुक जाइए भाई अब उन्होंने कहा है पिछले बार पिछले भी शाही साहब ने दी दावत जबरदस्त करा दी उनका इतना हक तो बनता है अब कहता है आपकी कुछ ऐसी क्या रे आपकी कुछ ऐसी सजी ये, ये फ, अहमद फराज ना अब की कुछ ऐसी सजी महफिल जिंदा जाना जिंदा जेल अब की कुछ ऐसी सजी महफिल जिंदा जाना सरबजानू है कोई और सर गरेबा जाना जिसको देखो वही जिसको देखो वही जिसको देखो वही जिसको देखो वही अब की कुछ ऐसी सजी महफिल ज़िंदा जाना सर बजानु है कहे कोई और सर बरेबा जाना जिसको देखो वही आ, क्या हो गया जिसको देखो वही वही आ, क्या लगता है आ, शहर शहर हुआ महफिल जिंदा जाना कहते हैं हम सुनिए अब हम के रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे हम हम रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे हमने देखा ही न, न, न था दाखिल जिंदा जाना और कहता है कि के, के दाखिल जिंदा जाना आ, ऐसी उसकी मुश्तल गज़ल है जिंदा बहुत अच्छा यादें स्वनी याद आ रहे हैं कभी आप अच्छी चाय लाइएगा फिर बैठ के सुनाएंगे है है कभी अच्छी चाय से भी खुलते हैं लेकिन उनके उसका ए, एक शेर दो तीन शेर सुन रहे चलिए आप उसका एक दो तीन शेर बहुत उमदा शेर हैं वो सुन लीजिए आप अहमद फराज के अरे भाई दो मिनट हैं कहते हैं शिद्दत तशनगी में भी बहुत शेर कहता है शिद्दत तशनगी में भी गैरत महकशी रही शिद्दत तशनगी में भी गैरत महकशी रही उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया शिदत तशनगी में भी गैरत मैकशी रही उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया और कहते हैं कि उसने सुनिए शिवा भाई उसने नजर नजर में ही उसने नजर नजर में ही कुछ ऐसे भले सुखन कहे उसने नजर नजर में ही कुछ ऐसे भले सुखन कहे मैंने तो अपना कलाम नहीं उसने भले उसने नजर नजर में ही कुछ ऐसे भले सुखन कहे मैंने तो अब सारा कलाम नहीं उसने नजर नजर में ही कुछ ऐसे भले सुखन कहे मैंने तो मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया उस, उस, उस उसने नजर नजर में ही कुछ ऐसे भले सुखन कहे मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया और देखो वो वो, वो मेरे ख्वाब थे देखो वो मेरे ख्वाब थे देखो ये मेरे ज़ख़्म हैं अपना कलाम की तारीफ़ कर रहा है कि देखो वो मेरे ख्वाब थे देखो ये मेरे ज़ख्म हैं मैंने तो सब हिसाब जाप आम रख दिया <laughs> चले साहब अरे भाई आठ बज गया चलिए दुआ हैं हाँ भाई देखिए वो डॉक्टर ताजुद्दीन साहब के लिए दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला जो है शिफात फरमाए अल्लाह उनके सलाम तबारक तरबा ताली त्याद अल्लाह अल्ला हम सब के यहाँ जमा होने कबुल फरमा अल्लाह ताली जो कुछ पढ़ा गया है सुना गया है उस पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमा और ये जो चारों खबीस और साफ़ हैं अल्ल तब को हम सब इन सबसे हमको अल्लाह ताली छुटकारा नसीब फरमा अल्लाह ताली हम में जो है तोज़ो इनकसारी इबादत और सबसे मोहब्बत करना अल्लाह ताला ये तमाम सिफ़ा अल्लाह तता फरमा और जो अब तक हमसे गुनाह हुए अल्लाह ताली उसको माफ़ फरमा दे आँखों से गुनाह हुए उनको माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताली जो जो हमसे अच्छे अमाल हो गए हैं वो बे बेजान ज़रूर हैं लेकिन अल्लाह तक कबूल फ़रमा ले अल्लाह ताली हमारे वालदेन की मक़द फरमा हमारे उसकी मफ़द फरमा हमारे बच्चों को सतमस्तकीम पर गामजन फरमा और तॉक्टर अच्छा डॉक्टर ताजुद्दीन साहब जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं अल्लाह ताली उनको सेहत अता फरमा अल्लाह ताली उनको जो हार्ट की प्रॉब्लम है अल्लाह ताली उसको जो है मुकम्मल सेहत अता फरमा हमारे हावि उस्मान साहब को अभी ऑपरेशन है इस कमिंग वीक अल्लाह तुन उनके ऑपरेशन को जो है कामयाब अता फरमा और डॉक्टर खाय लतीफ़ साहब के भी वही वही इशू हो गया अल्लाह ताली उनको भी मुकम्मल सेहत अता फरमा والله تعالى ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام و الحمد لله ان کا اپریشن ہے ان کا اپریشن ہے 2 تاریخ کو